ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे YouTube व्यूअर्स। कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बेसिक के हवाले से जो हमारा टॉपिक है वो MS वर्डपैड टॉपिक नंबर 3 सॉफ्टवेयर के हवाले से हमारा चल रहा था, और वर्डपैड के अंदर जो पहली क्लास हमने पढ़ ली थी लास्ट टाइम, और आज का जो हमारा टॉपिक है वर्डपैड की क्लास नंबर 2 के हवाले से है, सेकंड क्लास आज वर्डपैड की आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आएँ क्या तरीकाकार है इसकी सेटिंग के हवाले से ज़रा समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ टेक्स्ट वगैरह टाइप कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ समझ लें कि ये एक हेडिंग टाइप की हुई है, ठीक है, और इस तरीके से एक हमारे पास दूसरी हेडिंग यहाँ पर आ रही है, चाहे तो एक हेडिंग हमारे पास हमने एक यहाँ बना ली। ठीक है, तो सपोज़ कर लें ये हेडिंग है हमारे पास, इस एरिया की हमने सिलेक्शन ली और ये आ रहा है फॉन्ट बॉक्स एरिया। इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने से ये लिस्ट आ रही है फॉन्ट के स्टाइल के, जिस तरह के आप चाहें स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, स्टाइल सेलेक्ट हो जाएगा। स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद मतलब इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही सिलेक्शन लेंगे तो ये स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पर क्लिक करके चाहें तो उसका साइज़ बढ़ा लें, चाहें तो उसका साइज़ कम कर दें, चाहें तो इस बटन पर क्लिक करके भी साइज़ बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉन्ट के साइज़ को, और इस बटन पर क्लिक करके फॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ स्टाइल इस तरह के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये स्टाइल अप्लाई किया बोल्ड, बी के माने होते हैं बोल्ड, बोल्ड के माने मोटा करना, टेक्स्ट को ये मोटा कर देगा, बोल्ड मोटा हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे पतला हो जाएगा, इटैलिक कर देंगे क्रॉस में आ जाएगा, टेक्स्ट दोबारा क्लिक करेंगे स्ट्रेट हो जाएगा, अंडरलाइन यू से आएगी, दोबारा क्लिक करने से यू पर क्लिक करने से अंडरलाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू करेंगे जिससे कि टेक्स्ट को क्रॉस करने के लिए होता है, चाहे तो यहाँ से आप टेक्स्ट को क्रॉस कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करें तो ये जो लाइन आ रही थी वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये टाइप किया हुआ टेक्स्ट है, लिखा हुआ रहा है सब्सक्राइब्ड, क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो साइज़ कम होगा, नीचे मूव होगा, दोबारा क्लिक करें पहले की कंडीशन में आएगा, सब्सक्राइब्ड पे क्लिक कर देंगे साइज़ कम होगा, ऊपर मूव होगा, दोबारा क्लिक करें पहले की कंडीशन में आएगा। तो ये सेटिंग थी। दरअसल सेटिंग को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने टाइप करना हो फर्स्ट की शॉर्ट फॉर्म STM टाइप करते हैं, हम चाहते हैं जो ST टाइप किया हुआ आ रहा है ये ऊपर चला जाए, तो उसके लिए हम इसके लेंगे यूँ सिलेक्शन और सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे, साइज़ कम होगा और ऊपर मूव हो जाएगा, मतलब फर्स्ट की फॉर्म सेकंड थर्ड वगैरह की फॉर्म आप यूँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर जिस एरिया की हम सिलेक्शन लेंगे पॉइंट पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पर कलर लाना चाहते हैं कौन सा, हम चाहते हैं ग्रीन आए, हम चाहते हैं रेड कलर आए, रेड आएगा, बैकग्राउंड का एरिया आप यूँ कलरफुल ला सकते हैं। इस एरिया की हमने सिलेक्शन ली, पॉइंट पर क्लिक करेंगे, नो कलर पर क्लिक करेंगे, जो बैकग्राउंड पर कलर आ रहा था वो गायब हो गया, बाकी चाहें तो फ़ोन का जो एरिया आ रहा है हम चाहते हैं फ़ोन के ऊपर कलर की सेटिंग अप्लाई करनी है, कौन सा कलर आए, ग्रीन आए, ग्रीन लाना चाहें ग्रीन ला सकते हैं, ब्लू लाना चाहें ब्लू ला सकते हैं, चाहें तो इसमें अलग अलग जैसे आपने पढ़ा था फॉर्मेटिंग एनी करेक्टर एनी वर्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई, मतलब इस तरह का कोई भी वर्ड हो कोई भी करेक्टर हो सेपरेट तरीके से आप चाहें तो इस पर आप फॉर्मेटिंग की सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा देंगे साइज़ बढ़ जाएगा, हम चाहते हैं स्टाइल यहाँ से डिफरेंट आए और हम चाहते हैं इसका जो कलर है वो कौन सा हो वो भी डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल रेड हो, हमने सीरी की सिलेक्शन लिए, हम चाहते हैं यहाँ पर जो कलर इसका है वो कौन सा हो, ग्रीन हो, बढ़ा देंगे इसका साइज़ बढ़ जाएगा, और स्टाइल हम चाहते हैं किस तरह का आए, कुछ इस तरह का स्टाइल आए, और अगर हम चाहते हैं इसके ऊपर इसके नीचे के साइड जो है अंडरलाइन का स्टाइल आए, तो यूँ डिफरेंट एरिया की आप सिलेक्शन लें, अपने मखसूस एरिया की सिलेक्शन लेकर उस पर स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। देख रही हैं, इंट्रैक्टिव टाइप का आप या टेक्स्ट बना सकते हैं, हेडिंग्स वगैरह टाइप कर सकते हैं। ये थी क्लास नंबर 2 वर्डपैड के हवाले से, आज का क्लास नंबर 2 का टॉपिक यहाँ तक हमने वाइंड अप किया, इंशाल्लाह अगली क्लास में वर्डपैड की क्लास नंबर 3 के हवाले से डिस्कस करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया जाएगा और उसके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी इन वीडियोस को और इन वीडियोस के लिंक्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका हासिल हो। ठीक है, तो जब तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।